चाहता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। दोस्तों, फिल्मी दुनिया एक ऐसा गहरा सागर है जिसमें डूब जाने को हर कोई बेताब रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्मी दुनिया में काम करने वाला हर अभिनेता शुरू से ही एक्टर बनना चाहता था, बल्कि समय के साथ साथ कुछ लोगों ने खुद को बदला और आगे चलकर अभिनय को अपना पेशा बनाया। तो ऐसे ही एक एवरग्रीन सुपरस्टार के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं, जिनका नाम था देवानंद। तो बताया जाता है कि वो पहले कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन वक्त और हालात ने ऐसी करवट ली कि वो सब कुछ छोड़कर अभिनेता बन गए। वैसे तो आप भी जानते हैं कि एक सिंगल वीडियो में देव साहब की पूरी लाइफ जर्नी को समझाया नहीं जा सकता, फिर भी हम कोशिश करते हैं उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आप तक पहुंचा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं सितारों का सफरनामा और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बस तीन ही नाम हुआ करते थे, राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद। उस दौर में अभिनेता और भी बहुत थे, लेकिन टंका बस इसी तिकड़ी का बजता था। पूरे बॉलीवुड में यह तिकड़ी त्रिदेव के नाम से मशहूर थी। राज कपूर और दिलीप कुमार के बारे में हम आपको पिछले प्रोग्राम से बता ही चुके हैं, इसलिए आज बात तिकड़ी के तीसरे त्रिदेव यानी देव साहब की। देवानंद कहें या एवरग्रीन स्टार, गाइड कहें या ज्यूल थी, फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही देवानंद ने अपनी खूबसूरती, अपनी स्मार्टनेस, अपनी अदाकारी का ऐसा जलवा बिखेरा कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। देश विदेश में करोड़ों चाहने वाले, एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ फिल्में, लड़कियों में उनका जबरदस्त क्रेज, ये सब किसी सपने के सच होने जैसा था। कुछ किस्से तो ऐसे भी मशहूर हैं कि उन्हें ना पाने के दुख में लड़कियां अपनी जिंदगी तक खत्म कर लेती थी। अब आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन उस वक्त वाकई ऐसा होता था। खैर, हम सुनी सुनाई बातों में ना पढ़कर सीधे आपको देव साहब से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से बताते हैं। शुरुआत करते हैं उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत यानी शुरुआती पलों के साथ। तो देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शंकरगढ़ तहसील के गांव में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम धर्मदेव पिशोरी मल आनंद था, लेकिन जब वो फिल्मों में आए तो लोग उन्हें देवानंद के नाम से बुलाने लगे। देव साहब ने अपनी स्कूलिंग पंजाब के ही सेक्रेड हार्ट स्कूल से की थी। 10वीं पास करने के बाद उन्होंने धर्मशाला के एक सरकारी कॉलेज से पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने लाहौर जाकर इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया। बीए पास करने के बाद वो अपना घर छोड़कर बंबई नौकरी करने आ गए, बंबई जो अब मुंबई हो चुका है। वहां उन्होंने चर्च गेट में मिलिट्री सेंसर ऑफिस में नौकरी करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने एक अकाउंटिंग फर्म में बतौर क्लर्क भी काम किया। तो जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, तभी 1946 में देव साहब की जिंदगी ने ऐसा टर्न लिया कि हमेशा के लिए उनकी किस्मत बदल गई। 23 साल के धर्मदेव पिशोरी मल आनंद ने थिएटर में किस्मत और अछूत कन्या जैसी दो फिल्में देखी। वो दादा मुनि यानी अशोक कुमार को एक्टिंग करते देख इतने प्रभावित हुए कि उनके अंदर भी फिल्मों में काम करने की इच्छा जागी। तो अब वो फैसला कर चुके थे कि काम करेंगे तो फिल्मों में ही करेंगे। वो किस्मत के इतने धनी थे कि उनको इसके लिए कोई बहुत ज्यादा संघर्ष भी नहीं करना पड़ा। इसकी वजह थी उनका परिवार। देव साहब एक समृद्ध परिवार से आते थे जिनकी लगभग हर जगह पहचान थी। अब दिखने में वो स्मार्ट और हैंडसम तो थे ही, तो उस वक्त के फिल्मी हीरो भी उनकी चमक के आगे फीके पड़ जाते थे। बस इन्हीं सब बातों ने आराम से फिल्मी दुनिया में उनकी एंट्री करवा दी। देव साहब के जबरदस्त लुक्स और उनका कॉन्फिडेंस देख प्रभात फिल्म एंड प्रोडक्शन कंपनी ने उन्हें सबसे पहला ब्रेक दिया। इसके अलावा गुरदत्त साहब के साथ भी उनके संबंध काफी अच्छे थे, जिसके बारे में खुद देव साहब ने कई इंटरव्यूज में जिक्र भी किया था। लिहाजा साल 1946 था, वो पहली बार लीड एक्टर के तौर पर हम एक हैं फिल्म में नजर आए। फिल्म में उन्होंने उस वक्त की मशहूर एक्टर दुर्गा खोटे के साथ काम किया। इस फिल्म में उस वक्त कई सारे लोगों ने अपना डेब्यू किया था। फिल्म में देव साहब की एक्टिंग की खूब सराहना की गई। इसके बाद देवानंद 1947 में फिल्म मोहन में अभिनय करते दिखाई दिए। हालांकि ये एक एवरेज फिल्म साबित हुई, लेकिन देव साहब को फिर भी काफी लाइमलाइट मिली। उसी साल उनकी तीसरी फिल्म आगे बढ़ो रिलीज हुई और फिर अगले साल चौथी फिल्म विद्या से वो सिनेमा जगत के चमकते सितारे बन गए। इसी फिल्म में देव साहब
अपने सपनों की रानी सुरैया से पहली बार मिले और पसंद करने लगे। लेकिन सुरैया तब तक बड़ी स्टार बन चुकी थी और देव साहब अभी इंडस्ट्री में नए ही थे। लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और एक हादसे ने दोनों को करीब ला दिया। फिल्म के एक गाने किनारे किनारे चले जाएंगे की शूटिंग के दौरान नाव अचानक पलट गई। उस दिन अभिनेत्री सुरैया के साथ एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन देवानंद ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें पानी में डूबने से बचा लिया। इस हादसे के बाद सुरैया भी देव साहब को बहुत पसंद करने लगी थी। देव तो उन्हें पहले से चाहते ही थे। फिर तो ये जोड़ी ऐसी छाई कि एक के बाद एक करीब छह फिल्मों ने दोनों ने छह फिल्मों में एक साथ काम किया और दर्शकों के मन में अपनी जगह बनाई। इसके अगले ही साल आई फिल्म जिद्दी ने देवानंद को हिंदी सिनेमा के बड़े सितारों में शुमार कर दिया। इस फिल्म में उनके साथ मशहूर अदाकारा कामिनी कौशल की जोड़ी को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। यहां से शुरू होता है उनकी कामयाबी का सफर जो चलता है अगले छह दशक तक, जो आज तक के फिल्मी इतिहास में अब तक का सबसे लंबा सफर माना जाता है। बैक टू बैक उनकी कई फिल्में जैसे जीत, निराला, मधुबाला अफसर, सजा, सनम, बाजी, टैक्सी ड्राइवर, पॉकेट मार, सीआईडी, पेइंग गेस्ट, शराबी, प्रेम पुजारी और जॉनी मेरा नाम ने उनके नाम के आगे एवरग्रीन स्टार का टैग जोड़ दिया। 1958 में आई फिल्म काला पानी ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के कई झंडे गाड़े। इसी फिल्म के चलते देव साहब उस विवाद में भी घिर गए थे जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया। अब कुछ बॉलीवुड सोर्सेज की माने तो काला पानी के बाद वो उस जमाने की लड़कियों के सबसे फेवरेट स्टार बन गए। उस फिल्म में काले कोट पैंट में देव साहब ने लड़कियों को अपनी तरफ ऐसा अट्रैक्ट किया कि लड़कियां उनके लिए पागल हो गई। लड़कियां हर हाल में उन्हें पाना चाहती थी। अब एक अनार सौ बीमार, एक अकेले देव साहब कितनों को मिल सकते थे, और तब तक वो शादी भी कर चुके थे, लिहाजा उनको ना पाने के गम। ऐसा कहा जाता है कि कई लड़कियों ने अपनी जीवन लीला ही संवार कर ली। ये मामला इतना उछला कि सुप्रीम कोर्ट को देव साहब के काले कपड़े पहनने पर रोक लगानी पड़ी, ऐसा कहा जाता है। कुछ ऐसा पागलपन था उस जमाने में एवरग्रीन स्टार देव साहब का। इसके बाद अगर किसी स्टार के लिए ऐसा क्रेज दिखा तो वो बॉलीवुड के काका यानी राजेश खन्ना का क्रेज था जो नजर आया। खैर, काला पानी के बाद आई देव साहब की फिल्म मुनीम जी, लव मैरिज, काला बाजार, हम दोनों और गाइड में शानदार अभिनय करते हुए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया। फिल्मों में अभिनय करने के अलावा देवानंद ने कई फिल्मों को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया था जिन्होंने अच्छा बिजनेस भी किया। बतौर निर्माता निर्देशक उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट थी जो साल 2011 में आई थी। देव साहब ने अपने छह दशक के लंबे करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया जो किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं। आइए बात कर लेते हैं उनकी फैमिली और पर्सनल लाइफ की। देव साहब की पत्नी का नाम था कल्पना कार्तिक, जिनसे उन्होंने साल 1954 में शादी की। कल्पना कार्तिक भी उस समय की मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी। दोनों की जोड़ी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, एक दूसरे से प्यार किया, प्यार का इजहार किया और फिर शादी कर ली। तो इस तरह देवानंद तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन उनका पहला प्यार सुरैया ताउम्र उनका इंतजार करती रही। देव और सुरैया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया की दादी उनकी शादी के खिलाफ। इस वजह से ही ये प्रेमी जोड़ा बिछड़ गया और कभी एक नहीं हो पाया। देव साहब की जिंदगी में कल्पना कार्तिक आई और दोनों ने घर बसा लिया, लेकिन सुरैया वहीं ठहरी रही, उन्होंने कभी शादी नहीं की। इस तरह के तमाम किस्से आपको बॉलीवुड के गलियारे में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कल्पना कार्तिक से शादी के बाद देव साहब के परिवार में बढ़ोतरी हुई, दो संतानें हुई। उनके बेटे सुनील आनंद ने भी हिंदी सिनेमा को अपने करियर के तौर पर चुना और कई फिल्मों में काम भी किया, लेकिन वो अपने पिता की तरह सफल एक्टर नहीं बन पाए। सुनील अपनी घरेलू फिल्म प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन से जुड़े रहे और फिल्में बनाते रहे। बात करें देव साहब की दूसरी संतान उनकी बेटी की, तो उनका नाम देविना आनंद है, जिनका फिल्मी दुनिया से कोई नाता नहीं है। देवानंद के दो भाई और एक बहन भी थी जिनके नाम चेतन आनंद, विजय आनंद और शीला आनंद थे। बड़े भाई चेतन आनंद भी फिल्म लाइन से ही थे जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों का निर्देशन किया। उनके दूसरे भाई विजय आनंद भी फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर थे। देव की छोटी बहन का नाम शीला कांता कपूर था, वो एक जर्नलिस्ट थी और उनके पति कुलभूषण कपूर एक डॉक्टर थे। देव साहब की बहन के चार बच्चे हुए जिनमें से एक शेखर कपूर बड़े फिल्म निर्माता है जिन्होंने मिस्टर इंडिया और बैंडिट क्वीन जैसी कई सफल फिल्में बनाई हैं। एलिजाबेथ भी उनकी फिल्मों में शामिल थी। तो इमरजेंसी के बाद देवानंद ने राजनीति में भी कदम रखा। साल 1977 में उन्होंने एक
नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ थी। उनकी पार्टी को विपक्षी पार्टी जनता दल का समर्थन भी मिल रहा था, लेकिन राजनीति देव साहब को ज्यादा रास नहीं आई और जल्द ही उनका मोह भंग हो गया। लेकिन हिंदी सिनेमा को नया आयाम देने वाले एवरग्रीन स्टार देवानंद को पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड समेत कई बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वो एक ऐसे लेजेंडरी एक्टर थे जो न सिर्फ जीते जी बल्कि दुनिया से रुखसती के बाद भी नए कलाकारों के लिए किसी एक्टिंग स्कूल से कम नहीं। साल 2011 में दिल का दौरा पड़ने से 88 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन वो जब तक जिए जिंदा दिली से जिए, अपनी आखिरी सांस तक मुस्कुराते रहे और अपने चाहने वालों को इंस्पायर करते रहे। तो देव साहब भले ही आज हम सबके बीच नहीं, लेकिन उनकी शानदार अदाकारी और उनकी फिल्में हमेशा हमारे बीच उनकी यादों को सजो कर रखेंगे। जी हाँ, हमारे आप जैसे आम लोग इस दुनिया से जाते हैं, या कहें हमें मौत आती है, देव साहब जैसे जो किरदार होते हैं वो कभी मरते नहीं, वो अपने काम से जिंदा रहते हैं और ये सच भी है। तो अगर आप भी देव साहब के फैन हैं और उनके सफरनामे पर हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, जरूर अपनी राय हमें पहुंचाएं। नमस्कार।